हाय दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा अगरबत्ती के मशीन के स्क्वायर पार्ट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन यूज़ होता है वो डाई रहती है, डाई जो कि 3 mm की डाई है। फिर ये भी 3 की डाई है मेरे पास। आप अगरबत्ती की साइज़ इसके ऊपर से डिपेंड कर होता है, जो आप सेट कर सकते हो अलग अलग। ये 3.2, इसे थोड़ा ज़्यादा अगरबत्ती निकलता है जो कि ये सा रहेगा। ये बारीक वाली है दोनों, ये 3.2 का है। फिर ऐसा नोजल रहता है ऐसा टाइप का, इसको रॉकेट बोलते हैं। ये सब स्क्रूज है उसके, ये प्रेशर कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ होता है। ये दो स्क्रू है, तो अभी ये जो रहता है इधर, ये डाई लग जाएगा। इधर से पाउडर निकलता है तो पहले डाई लगाना पड़ता है। फिर स्क्रू बंद कर दीजिए इसका, पूरा स्क्रू बंद हो गया है इसका। फिर पीछे की साइड पे हम आएंगे तो इधर रॉकेट लगेगा, जो कि हम ऐसे ही इसको डालेंगे नॉर्थ की तरफ से। और इधर ध्यान रखना पड़ता है, इधर से आगे ना आए ज़्यादा, तो पूरा टाइट ना करें उसको। फिर ये जो बड़ा स्क्रू है इसको इधर लगा देंगे। इधर से हमारी जो चाइना स्टिक्स या वियतनाम की स्टिक्स रहती है वो जाती है अंदर, तो संभाल के लगाए और थोड़ा लूज रहने दे, आगे का टाइट कर दीजिए। और इसका सेटिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करें। इधर से पाउडर अंदर जाएगा, मशीन को लगेगा ये पार्ट ऐसा, और ये प्रेशर कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस है वो इधर यूज़ होता है। ज़्यादा प्रेशर आ तो इधर से पाउडर निकल जाता है, और ये स्क्रू ये कंट्रोल करने के लिए, तो वो हम इधर लगा देंगे इसको। इसे फिट हो जाएगा ये पूरा। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कभी कभी यूज़ करना पड़ता है जब सेटिंग ख़राब हो जाए चालू मशीन में। ये पूरा तैयार हो गया हमारा आगे का नोज़ल और सब। अभी इसको मशीन में कनेक्ट करने का रहता है, जो ये स्क्रू लगा देने का। फिर इधर से जो स्टिक्स आएगी हमारी चाइना की, जो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। ऐसे स्टिक्स रहेगी हमारी जो इधर से अंदर जाएगी, और इधर से पाउडर अंदर आएगा पीछे की साइड पे से, जो ये नोजल है इधर से, और इधर से इतना इधर से डायरेक्ट ऐसा स्टिक बाहर निकलेगा, और ऐसी काड़ियाँ तैयार होके बाहर गिरेगी। बराबर, ये था इसका आगे का जो स्क्वायर पार्ट के बारे में, इतना ही। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे का वीडियो जरूर देखिए। लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।